हेलो फ्रेंड्स, इंडियन तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला, वो भी बिना काजू के। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज, थोड़े से लहसुन, दो मिर्च मैंने ली है। मिर्च आपके स्वाद अनुसार है, आप जितना तीखा या कम पसंद करते हैं उस हिसाब से आप मिर्च ले लीजिए। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, एक लौंग और एक इलायची ली है, दो टमाटर लिए हैं और यहाँ पनीर है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने इन सभी को रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम मिक्सी में एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सभी को पीस कर एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। चलिए आइए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ मेरा पैन गर्म हो गया है और मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। अब यहाँ तेल गर्म हो गया है और मैं उसमें डालूँगी जीरा। अब जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें डालूंगी बना हुआ तेल। अब इस मसाले को हमें मीडियम आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। अब ये पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर, और इसे अच्छी तरह से हमें चला लेना है। अब उसके बाद सारे मसालों को चला लेना है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 3 चम्मच मलाई। मैंने यहाँ 3 चम्मच मलाई ले ली है, वो मैं डाल रही हूँ। यह हमने काजू का यूज नहीं किया है, इसलिए हम मलाई का यूज। मलाई डालने के बाद अब इसे हम 2 मिनट चला लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपके स्वाद अनुसार है, जितना आप नमक पसंद करते हो। और इसे ढक के 1 मिनट के लिए रख देना है। अब ये देखिए, ग्रेवी में से ऑयल बाहर आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी भुन गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ग्रेवी हमारी रेडी है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अभी लगभग हमारी पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि ये हमारी पनीर बटर मसाला है, इसलिए आइए हम इसका बटर का तड़का लगाएं। अब ये पैन मेरा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे बटर। क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है तो इसलिए अभी ये बटर का तड़का लगेगा। अब ये बटर हमारा पिघल गया है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी देगी मिर्च और इसको हमें डाल देना है अपनी सब्जी में। अब हमने गैस को बंद कर दिया। ये देखिए, हमारी पनीर बटर मसाला बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो ये अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।